देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और ये गुलमंडी का कुमारवाड़ी का परिसर आता है। जिस शॉप में मैं खड़ा हूं, जिस दुकान में मैं खड़ा हूं, उसका नाम सिमरन कलेक्शन है। और आज रमज़ान का महीना चल रहा है और औरंगाबाद शहर में गुलमंडी है, कुमारवाड़ा है, ये एक ऐसे ये इलाके हैं जहाँ पर लोग ईद की ख़रीदी के लिए दूर दूर से आते हैं, औरंगाबाद के बल्कि मराठवाड़े भर से आते हैं। एक ये अपने आप में एक इतिहास है कि एक ऐसा गढ़ जहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख यहाँ पर सब खरीदी करते हैं। दिवाली जब मौसम आता है तो इसी तरह आपको गर्दी दिखाई देगी, ईद का टाइम आता है ऐसी गर्दी दिखाई देगी। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर सभी समाज धर्म के लोग आते हैं और अपने अपने त्यौहार के ख़रीदी करते हैं। ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आपको सस्ते में सस्ता भी मिलता है, महंगे में महंगा मिलता है। जितना आपके पॉकेट बोलते हैं, पॉकेट में जितना वज़न होता है उसके हिसाब से आप अपना खरीदी कर सकते हैं, दिलकश खरीदी कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के, बड़ों के हर चीज़ वैरायटी आपको मिलेगी, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। तो ज़रूर एक बार शॉप पे आइए। चलिए दुकान के ऑनर से बात करते हैं कि इनके पास और क्या वैरायटी है और क्या आने वाली है। कहेंगे आज रमज़ान का टाइम चल रहा है, पूरा मार्केट फुल है, किस तरह की आपकी दुकान में वैरायटी है, क्वालिटी है। हर बंदा चाहता है, महिला चाहती हैं कि मैं ऐसी दुकान में जाऊं जहां पर मुझे थोड़ा सस्ता भी मिले, अच्छा भी मिले। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जी सर, हमारी दुकान जो है 25 साल पुरानी है और यहां पे जो भी ग्राहक एक बार आता है तो दोबारा ज़रूर आता है। और रेट रेट के बारे में, ग्राहक जो है ना चीप रेट होने की वजह से यहाँ कुमारवाड़े ज़रूर आता है ख़रीदी करने को। और हमारे पास जो है हर तरह की वैरायटी मिलेगी, मतलब बच्चों में 1 साल से लेकर 15 साल तक और लड़कियों में 1 साल से लेकर 15 साल तक और लेडीज़ वेयर फुल साइज तक। और हर वैरायटी, कोट सूट, जीन्स, टी शर्ट, हर चीज़ की। और मार्केट से हर मार्केट में ट्राई कर लो, सबसे ज़्यादा रेट कम रहेगा और फिक्स रेट रहेगा, उसमें डिस्काउंट भी रहेगा। सर 14 अप्रैल आ रही है, हम देखते हैं कि 14 अप्रैल पूरे भारत में इतना बड़ा त्यौहार के रूप में मनाया जाता है कि हम कुछ बता भी नहीं सकते हैं। जी, तो उसकी भी लोग खरीदी करते हैं। जी जी, हम हमारे पास 14 अप्रैल की वैरायटी है ज़्यादातर, मतलब मुस्लिम ग्रह की भी है हमारे पास, 14 अप्रैल की भी है। और 14 अप्रैल तो जैसा ईद और दिवाली मनाते हैं वैसे 14 अप्रैल भी हमारे पास मनाते हैं ग्रह, और वैसे हिसाब से ग्रह की रहती है हमारे पास। 14 अप्रैल की फुल वैरायटी रहती है और ईद के लिए फुल वैरायटी है। अब 14 अप्रैल और ईद की ताल्लुक से जनता को आपकी तरफ से कुछ शुभ संदेश की मुबारकबाद की कुछ भाई? 14 अप्रैल वालों को एकदम फुल मुबारकबाद, जय भीम। और ईद वालों के लिए ईद मुबारक और बहुत बहुत हमारी तरफ से ईद मुबारक और बधाई। क्या बात है, यानी आपने जय भीम बोला तो जय भीम बोल दीजिए ना। जय भीम। क्या है, रमज़ान का परेड चल रहा है, कुमारवाड़े में है और एक बहुत एक हंसी हंसी में कह सकते हैं, एक मजाक में इन्होंने कहा है जय भीम जय भीम। यानी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा इलाका, ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर दिवाली हो, दशहरा हो, 14 अप्रैल हो, ईद हो, यहाँ पर एकता का संदेश जाता है। हमारी कई हिंदू माताएँ बहनें यहाँ पर आती हैं, बड़े विश्वास से आती हैं और हम जब बाजार में घूमते हैं, सब दुकान में आते हैं तो लगता है कि हमारी एकता है। वरना जब हम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे देखते हैं कुछ और ही सुनने को मिलता है, लेकिन जब रियलिटी में चौराहे पे आते हैं, दुकानों में जाते हैं, जब देखते हैं कि गंगा जमुना तहजीब का एक मिलाप हो रहा है, एक हमारी एकता बढ़ रही है, खरीदी हो रही है। एक दूसरे के साहब ने बताया कि रमज़ान का महीना चढ़ा और मौलाना साहब रोज़ा है, लेकिन देश के तमाम वासियों कहा 14 अप्रैल जय भीम, बहुत बड़ी बात है, एकता का संदेश है, यही हमारी ताकत है, ये हमारी खूबसूरती है। खैर, आपको भी बहुत बहुत हमारी ओर से 14 अप्रैल की बधाई हो और रमज़ान की शुभकामनाएं।